साल पूरे होने जा रहे हैं और इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से 9 साल को लेकर 9 सवाल पूछे हैं। ये सीधी तस्वीरें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको दिखा रहे हैं। इस पर आप जानते हैं हमने 100 सवाल हम अडानी के है कौन श्रृंखला में हमने 100 सवाल पूछे हैं, उसका एक भी जवाब नहीं आया है। और अभी ये प्रचार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक क्लीन चिट मिला है, ये बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, ये भी साबित हो गया है। और भी सवाल उठते हैं और ख़ास तौर से ये फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं और ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है। चौथा सवाल भी राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय उठाया था, हमने भी उठाए हैं, बार बार हम उठाते रहते हैं। ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और ख़ास तौर से चीन से जुड़ा हुआ है, जो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी, उसके वजह से हमें परेशानी भुगतनी पड़ी है। और हमारा इस संबंध में सवाल है, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उसे उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। पांचवा सवाल अभी हम देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, एक वो अभी नया मिसाल है। और भी राज्यों में ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाया जा रहा है, सामाजिक सद्भाव जो बिगड़ा है, सामाजिक सद्भावना जो बिगड़ा है, उस पर ये सवाल है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर और माहौल बनाया जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ डर और धमकी और दूसरी तरफ समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत में बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है अपनी राजनीतिक मकसद के लिए। छठा सवाल है हमारा सामाजिक न्याय से संदर्भ में। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि महिलाओं, आप देख रहे हैं जंतर मंतर में, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आप चुप रहते हैं। जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, वो जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है, उसका भी जवाब नहीं आया। राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय इसकी मांग की। आप जानते हैं जब यूपीए की सरकार थी हमने जाति जनगणना की थी, पर बहुत से कारणवश जो मैंने पहले आपको बताया है वो प्रकाशित नहीं हो पाया। और हमारी मांग है और अनेक विपक्ष पार्टियों की मांग है कि जाति जनगणना होना ज़रूरी है, पर ये अभी तक इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाएं पर अगला सवाल है, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई हैं? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है? आठवां सवाल, जन कल्याण की योजनाएं, मिसाल के तौर से महात्मा गांधी नरेगा, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है? गरीब, आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों आप कुचला जा रहा है? और हमारा अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं कोरोना मिसमैनेजमेंट आज हम भूल गए हैं, पर एक समय था कोरोना महामारी से
सारा देश पीड़ित था। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि कोरोना के कारण और खास तौर से कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण, कुप्रबंध के कारण 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, 40 लाख लोगों की मौत के बाद भी उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया, क्यों अचानक लॉकडाउन करके ला